हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिविटी विद सुषमा। त्यौहार आ रहा है रक्षाबंधन का, तो हम खीर बनाते हैं, स्पेशल खीर जो मैंगो का फ्लेवर भी हम लेंगे और सिंपल फ्लेवर भी लेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने 2 लीटर दूध गैस पर उबालने के लिए रख दिया है। ये उसमें उबाल आ गया है और ये अब पकने के लिए मैंने इसको छोड़ दिया है। तो ओवरऑल हमें इसे पका के आधा कर लेना है बाद में तो हम खीर बनाएंगे। उसके पहले हम कुछ सामान देख लेते हैं जो इसमें लगेगा। तो ये एक चावल है, ये मैंने 1/4 कप लिया है। इसको मैंने धुल के इसको ऐसे ही सोख करने के लिए रख दिया था, पानी में नहीं सोख करने को रखा, ऐसे ही रख दिया है। और ये चीनी 1/4 कप के लगभग है, 1 कप से थोड़ा कम। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, इन्हें मैंने कट करके ले लिए हैं। और ये मखाना 1 कप है। और ये केसर है, इसको मैंने गर्म दूध में डाल दिया था जिससे कलर छोड़ दिया। और इलायची है 1/2 टीस्पून। तो इतना सामान हमें ज़रूरत पड़ेगी। इन सब चीज़ों को हम रोस्ट भी करेंगे, जैसे चावल, मखाना और ड्राई फ्रूट्स, इनको हम पहले रोस्ट कर लेते हैं। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम और भी जो प्रिपरेशन है वो कर लेते हैं, जैसे चावल को भूनना, ड्राई फ्रूट्स को भूनना। तो मैंने एक पैन ये ले लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा हम घी ऐड करेंगे, बहुत थोड़ा सा, ये बस ऐसे ही 1/2 टीस्पून है। थोड़ा सा हम इसको गरम कर लेंगे पहले। तो ये गैस मैंने ऑन कर दी है और थोड़ा सा गरम हो जाने देते हैं। जो हमारी खीर है वो प्रोसेस हमारा वही रहेगा, बस हमें लास्ट में मैंगो का पल्प ऐड कर देना है। जब हम गैस बंद कर देंगे तब, कुकिंग टाइम पर हम, जब हमारी गैस ऑन है तब हम मैंगो का पल्प ऐड नहीं करते हैं, नहीं तो वो हमारी खीर एकदम से बेकार हो जाएगी। तो ये गर्म हो गया है, अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर रही हूँ इनको रोस्ट करने के लिए। इसे मैंने काजू, बादाम, थोड़े से पिस्ते और चिरौंजी ली है। आपको किशमिश पसंद है तो आप किशमिश भी ले सकते हैं। इनको हल्का सा बस ब्राउन नहीं करना है, बस थोड़ा सा कि ये क्रंच इसमें आ जाए। तो अब इतना हो गया है, अब इतने में क्रंच आ जाएगा। सेम पैन में हम ये मखाने हैं वो भी रोस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब मैंने ऑयल नहीं डाला है, इनको हम ऐसे ही रोस्ट कर लेंगे। और इनको हम रोस्ट करके मिक्सी में 2-3 सेकंड के लिए बस मिक्सर चलाएंगे और बंद कर देंगे। हमें इसका पाउडर नहीं चाहिए, थोड़ा सा ये क्रश हो जाएगा तो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में भी हो जाएगा, थोड़ा खड़ा भी रहेगा, वो हम इसमें फिर खीर में ऐड करेंगे। मैं खीर में जो भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो एकदम से लास्ट में ऐड करूंगी, जब हमारी खीर रेडी हो जाएगी, बीच में नहीं ऐड करूंगी। अगर आपको पसंद है थोड़ा सा वो घीगे हुए फूले हुए ड्राई फ्रूट्स तो आप ऐड कर सकते हैं बीच में, लेकिन मुझे ऊपर से ही डाल के खाना पसंद है। तो बस ये मखाने भी हो गए हैं, थोड़ा सा घी डालेंगे चावल ब्राउन करने के लिए। एक्चुअली ब्राउन भी नहीं करना है, बस थोड़ा सा हमें उसको भून लेना है। तो ये गया और हम इसको भून लेंगे। अब चावल भूनने में खुशबू आने लगी है, जब हम इनको भून रहे हैं तो खुशबू आने लगी है। तो ओवरऑल 1 मिनट के अंदर ये एकदम से खुशबू आने लगेगी और रेडी है। अब हम इसको एक साइड रख देंगे। अभी दूध हमारा आधा नहीं हुआ है तो उसके पहले ही हम इसमें ये चावल मिला देंगे, क्योंकि अभी चावल को पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, दूध के साथ बहुत अच्छे से पक जाएगा। तो ये हमने इसमें डाल दिया है, अब हम इसे लो फ्लेम करके पकाते रहेंगे, बीच बीच में चला लेंगे जिससे कि नीचे तले में कुछ भी चिपके नहीं, नहीं तो वो स्मेल आ जाएगी जलने की। तो
जब तक ये पक रहा है तब तक मैं मैंगो का प्यूरी तैयार कर लेती हूँ। अभी ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है, लेकिन अभी ये जो हमें जितना गाढ़ापन चाहिए उतना ये गाढ़ा नहीं हुआ है खीर। तो अभी हम कुछ चीज़ें इसमें और अभी ऐड कर देते हैं। तो अभी हम इसमें पहले ऐड कर देते हैं ये इलायची पाउडर 1/2 टीस्पून, और ये जो केसर वाला दूध है ये भी हम ऐड कर देंगे इसमें, और इसको हम मिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ये मखाने जो हमने रोस्ट कर लिए थे, और इनको हमने थोड़ा सा 2-3 सेकंड के लिए मिक्सी में चला लिया है। तो ये थोड़ा हम बचाएंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए, तो ये मैं थोड़ा बचा दे रही हूँ। अब हम इसको फिर से पकने के लिए छोड़ देंगे। अभी इसमें हमने चीनी ऐड नहीं की है, तो चीनी हम थोड़ी देर बाद ऐड करेंगे। अभी क्योंकि हम दूध ले रहे हैं तो इसको गाढ़ा होने में थोड़ा टाइम लगता है, पर ऐसा नहीं कि आपको लगातार खड़े रहना है इसके पास, बस आप इसको बीच बीच में चलाते रहिए और ये पकता रहेगा, तो आपका कोई ऐसा टाइम वेस्ट भी नहीं होना है। अदरवाइज़ खोया या फिर कंडेंस मिल्क डाल के हम जल्दी बना सकते हैं, लेकिन वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता है कि आपके पास खोया या मावा जो इजीली अवेलेबल हो। तो दूध तो हमेशा हर जगह मिल जाता है, तो ये मुझे ठीक लगता है बनाने के लिए। अगर खोया है तो हम दूध का थोड़ा क्वांटिटी कम कर सकते हैं और थोड़ा सा हम खोया ऐड कर देंगे, तो भी हमें वो टेस्ट मिल जाएगा। अभी हम इसको फिर पकने के लिए छोड़ देते हैं। अभी ये पकते हुए देखिए बहुत गाढ़ा हो चुका है, बट अभी भी हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। ये देखिए मैंने इसको इलायची और केसर डालने के बाद 15 मिनट और पकाया है, अभी भी मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं किया। तो हम चीनी इसमें ऐड कर लेंगे, क्योंकि चीनी डालने के बाद फिर से ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो हमें इसे फिर से थोड़ा पकाना होगा, गाढ़ा करना होगा। इसको हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। ये सारी कुकिंग जो मैंने की है वो लो फ्लेम पे की है, क्योंकि हम थोड़ा सा भी अगर चूक गए तो चिपक जाएगा इसके तले में दूध और चावल, और फिर वो जला जला स्मेल आ जाएगा, फिर आपकी पूरी खीर स्पॉयल हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सारा कुछ स्लो फ्लेम पे किया है। आप मीडियम फ्लेम पर कर सकते हैं, बट आपको फिर रुकना होगा वहाँ पर बीच बीच में ऐसे चलाने के लिए ना। ये देख सकते हैं आप, अभी भी ये फिर से पतला होने लग गया है। तो चीनी जब थोड़ी गाढ़ी होने लगेगी तो फिर हम इसको बंद करेंगे, अभी थोड़ा और पकाते हैं। अब ये खीर हमारा हो गया है, या देख पा रहे हो कलर एकदम बढ़िया सा रेडिश आ गया है, केसर का भी असर है, और दूध जब गाढ़ा करते हैं तो थोड़ा सा वो कलर अपना डार्क कर लेता है। तो ये आप देख पा रहे हो बहुत अच्छा कलर आया है। अभी ये थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये ऐसे पतला है, लेकिन अभी हम इसको ठंडा करेंगे। खीर गर्म नहीं अच्छी लगती, हमेशा ठंडी खीर अच्छी लगती है, तो हम इसको पहले थोड़ा ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डालेंगे और आम का पल्प मिला के मैंगो फ्लेवर वाला भी बना लेंगे। तो हमें इसे ठंडा इतना करना है कि ये पूरी तरह से ठंडा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा रहना चाहिए। आम का पल्प जब हम डालते हैं तो हम थोड़ा सा इसको गाढ़ा कर लेते हैं। गैस मैंने बंद कर दी है, अब हम इसको किसी भी जाली से ढक देते हैं ऐसे, और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर इसका डाउन हो गया है, जो हमने खीर बनाई है इस पर देखिए एक लेयर जैसी भी आ गई है, बहुत अच्छा कलर है ये खीर के लिए। अब हम इसको पहले मिक्स कर लेंगे। अभी ये ठंडी नहीं है, गुनगुनी भी नहीं है बिल्कुल, अभी ये गर्म है। लेकिन अब हम इसमें मिलाएंगे आम का पल्प, सारे में नहीं मिलाएंगे, बाउल में हम थोड़ी खीर निकाल लेंगे, क्योंकि हमें और खीर पेन भी रखनी है।
जो एक नॉर्मल हमारा स्वाद होता है रेगुलर वाला वो। तो ये मैंने खीर निकाल ली, अब हम इसमें आम का पल्प मिलाएंगे। तो हम इसमें आम का पल्प मिला लेते हैं। ये हाफ कप आम का पल्प है, ये मैं सारा इसमें ऐड कर दे रही हूँ और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कि अब ये मैंने इसमें मिला दिया है और ये कलर भी थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा येलोइश हो गया है क्योंकि हमने पल्प मिलाया है मैंगो का। तो अब हम इसको भी ठंडा पूरी तरह से कर लेते हैं। ऐसे ही बाहर रख कर ठंडा करेंगे, आप फ्रिज में मत रखिए, आराम से बाहर ठंडा हो जाएगा। फिर आप इसको थोड़ा ठंडा करने के लिए फिर फ्रिज में रखिए, लेकिन जब गर्म खीर हो तो हम उसे फ्रिज में नहीं रखते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए फिर हम फ्रिज में रखेंगे और फिर इसकी हम फाइनल प्लेटिंग करेंगे। हमारा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुकी है तो अब हम खीर को सर्व कर लेंगे। ये आप देख सकते हो कितनी मोटी सी मलाई इस पर पड़ गई है। अब पहले हम ये अपनी बढ़िया गाढ़ी खीर एक इस बॉल में सर्व कर लेते हैं। ये हमारा नेचुरल फ्लेवर जो हमारा है वो है, और ये हम मैंगो वाली खीर है वो इसमें डालेंगे। तो कलर डिफरेंस आप देख सकते हैं। अब ये सर्व हो गई है, अब गार्निश करना भी बहुत ज़रूरी, बिना गार्निशिंग के मज़ा नहीं आती। हमने खीर में ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल भी नहीं डाले हैं, तो ये हमने जो रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स हैं ये हम इसमें ऐसे डालेंगे। और अब ये मैंगो वाली में भी आप जैसे भी गार्निश करना चाहिए कर सकते हैं। तो ये मैंने इसको भी ऐसे गार्निश कर लिया। अब हम इसमें मैंगो चंक्स भी थोड़े डाल देंगे मैंगो वाले में, तो ये देखने में और अच्छी लगने लगेगी। यस, ऐसे ये डन हो गई, भी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। तो बनाइए आप ये बढ़िया सी खीर, एक बार में ही दो फ्लेवर बनाइए और मज़ा लीजिए मीठे मीठी सी खीर का। अगर आपको आज की ये मैंगो और नेचुरल फ्लेवर की खीर पसंद आई हो तो आप इसको बनाइए, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और हाँ, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि नए नए वीडियोस आपको देखने को मिले। बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिए। थैंक यू।